वेदर देखो कितना फॉगी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो मैं पालक पनीर को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद गर्म पानी में डाल दूंगी और यहाँ पर पालक डाल देती हूँ, जिसको मैंने कल ही अच्छे से वॉश करके सब कुछ रख लिया था। तो एक दिन पहले प्रिपेयर कर लो तो काफी इजी हो जाता है। सो गाइस, पनीर को मैं निकाल लेती हूँ। अभी काफी अच्छा पनीर फ्राई हो गया है, तो उसको डाल देंगे हॉट वाटर में। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? और आज आईफोन का पहला व्लॉग शुरू किया है और इसमें एक्चुअल में असलियत बाहर आ रही है। अरे चुप रहो। सो गाइस, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों को वैसे ऑलरेडी पता चल गया होगा टाइटल से, तो आज मैं बना रही हूँ अपना फर्स्ट व्लॉग। बिल्कुल फर्स्ट व्लॉग, मतलब व्लॉग नहीं है फर्स्ट, लेकिन आईफोन 12 से बना रही हूँ आज मैं फर्स्ट व्लॉग। तो देखते हैं आप लोगों को इसकी क्वालिटी कैसी लगती है, क्योंकि मैंने ना सिर्फ क्वालिटी, मेरी वीडियोज की बहुत बेकार होती थी, ऐसे ना धुंधला धुंधला सा आता था, इतना अच्छा नहीं आता था क्वालिटी। मैंने सोचा कि चलो आईफोन 12 देखते हैं। मेरा ऐसा कुछ मन नहीं था, मतलब 12 मतलब आईफोन लेने का, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ यही था कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता अच्छा क्वालिटी सब कुछ हो। तो और इस चक्कर में हस्बैंड का पॉकेट भी काफी खाली हो चुका है। तो अब ये बताएंगे कितना हुआ है तुम्हारा पॉकेट खाली। टोटल 72,000 हमने इस पे लगाया है, बहुत कुछ लिया है, इंक्लूडिंग एक्सेसरीज, चार्जर, ये वाला वाला बहुत कुछ होता है इसमें। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि लीड भी है ना, वायरलेस चार्जर भी है और तो लीड कुछ इसमें 5,000 का कैशबैक भी था, जो कि आफ्टर 3 मंथ आपके क्रेडिट कार्ड में रिसीव होगा। तो हाँ, तो यही सब है, मतलब हमने कहा चलो ठीक है ले लेके देखते हैं। और आई होप आपको इसके बाद हमारा वीडियोस अच्छा लगे, व्यूज अच्छे आए मेरे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगता है। तो अभी है इवनिंग, इवनिंग का नहीं, अभी आफ्टरनून का टाइम। तो ये लोग सन बेथिंग करके आ गए बाहर से, धूप सेक कर, विटामिन डी लेकर। तो मैं तो खैर गई नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करना था। तो अभी मैंने प्रिपेयर किया है, लंच में बनाऊंगी मैं पालक पनीर की सब्जी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को, तो मैं वो बनाऊंगी। और सुबह चलते हैं फटाफट से, तैयारी हो चुकी है मेरी ऑलमोस्ट। और कुछ कहना है दोस्तों? हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या लेके आ गए हम। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब यार, मतलब उतना वर्थ इट नहीं लग रहा, 70,000 मतलब इसके लिए पे किया। और मुझे पता नहीं क्यों, मतलब ठीक है, मतलब डीलिंग है इसमें, ऐसी बात नहीं है जिसमें, तो यार इतना भद्दा भी नहीं है सकल जितना इसमें ऐसा लग रहा है, दिख रहा है। तो आप लोग का कैसा लग रहा है बताना, पहला वीडियोस और इसमें क्या फर्क दिख रहा है तो बनाना। और देखो एक शैतान कहाँ लटका है, मुझे कर्टेन सब भी वॉश करना है, तो मैं लेकर चलती हूँ किचन में। और हम करते हैं, अभी घर से आने के बाद ना सफाई वगैरह अच्छा हुआ नहीं है, तो अभी सफाई वगैरह करना है अच्छे से, क्लीनिंग। जब तक सफाई करूंगी हमारी पोस्टिंग फिर आ जाएगी। तो यस, आप लोगों को शायद बताई नहीं, बट हम लोग जा रहे हैं बहुत जल्दी इलाहाबाद। हम लोग की वहां पे आ गई है, थोड़ा देना, तो मैं सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी।
चलो कुकिंग करते हैं स्टार्ट। तुमने ठीक किया है क्या? कुछ नहीं किया है, यहाँ थोड़ा ठीक आ रहा है, पता नहीं क्यों। इसको ज्यादा लाइटिंग की जरूरत भी नहीं है, लाइटिंग लेता है तो पूरा दिखाता है। बेटा चलो पहले आपको मैं फटाफट से कर लेती हूँ, तब तक मेरे लिए एक कप चाय बनाओगे? पागल हो रही है, अभी मेरे हस्बैंड चाय बनाएंगे देखना एक कप, क्योंकि मुझे मन कर रहा है पीऊं मैं गर्मा गर्म एक कप चाय, क्योंकि मौसम धूप निकला है लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे हाथ ऐसा जम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि काम नहीं कर पा रही हूँ ढंग से, कुछ चीज कटिंग कर रही हूँ ना तो अच्छे से हो नहीं रहा है वो। तो एक महीने से परेशान थी, पता नहीं है तो चाय पीना है तुमको? अरे यार तो अब तो चाय पीने दो, मतलब मैं गाइस एक महीने से इतनी ज्यादा बीमार थी, इतनी ज्यादा बीमार थी, मैं वो चीज शायद आपको बता नहीं सकती हूँ शब्दों में, क्योंकि मैं क्या क्या झेली हूँ ना इस एक महीने में, और दवाई खा खा के मेरा हाथ बुरा हाल। और फटाफट से बनाते हैं कप चाय, मैंने बहुत चाय को इग्नोर किया है, बहुत छोड़ा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लूज मोशन, बहुत चीज़ें हो रही थी, वॉमिटिंग, पेट में बहुत दर्द, बहुत सीवियर दर्द उठते थे कभी कभी तो, बट ठीक है अभी सब कुछ अच्छा है। तो फटाफट से चलते हैं बनाते हैं पालक पनीर। और कुछ डिमांड है सर आपकी? कुछ डिमांड है तो बताइए, मैं सब कुछ बना के सर दे सकती हूं। कोई डिमांड नहीं है, पर मेरी एक डिमांड है चाय, तो आप बनाएंगे? ये टाइम चाय नहीं पी, बहुत बकवास बना था सुबह वाली चाय, इतनी बकवास बनी थी, फिर मैं अभी बना रही हूँ। अरे यार इस सड़े से उसमें कुछ दे रही हूँ, कोई बात नहीं यार सुबह वाला ही है, उसमें एक बार हम बना के देखो क्या हो रहा है। ये एप्पल गिर गया, आप यही काम करते हो, एप्पल गिर गया, किधर गिरा ये देखो, ये देखो, चलो ये लो, अब कहाँ रखते हैं एप्पल, रखो इसको, यू ना इट दिस, नहीं देन एप्पल निकाल कर दिया एप्पल। कैन यू दिस शो मी योर फेस क्यूटी पाई? इट्स अ टमाटर। व्हाट? इट्स अ टमाटर। इट्स अ टमाटर, लेट मी सी काइट टमाटर। ओ एप्पल को कह रहा है इसमें कुछ। तो फ्रिज में से निकाल लेते मिल्क, अभी फ्रिज वगैरह भी मतलब अरेंज नहीं किया है। नहीं यार मुझे कॉफी मन नहीं पीने का, तो चेक करो कब आएगा कढ़ाई, क्योंकि मैं बहुत बहुत बुरी तरह से वेट कर रही हूँ। तो एक मैंने ऑर्डर किया है स्टेनलेस स्टील का कढ़ाई, काफी सस्ता है, काफी अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा ना वो, अगर सही में काम करेगा ना, नॉन स्टिकी टाइप थोड़ा ठीक होगा ना, तो मैं उसका रिव्यू जरूर करूँ। वो सस्ता है इसीलिए बेकार ही निकलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं यार, इतना भी सस्ता नहीं है, 16 यार। हाँ तो क्या हो गया यार, तो ऐसे इतना भी चीप नहीं है। 1700 में क्या हुआ, जो कहाँ देख रहे थे हम लोग 3500-4000। तो यही तो बात है यार, वो तो हर जगह मिलता है, अगर आपको सस्ता अगर ऑनलाइन मिल रहा है, चीजें अच्छी निकल रही है, तो उसपे क्या बुराई है। चलो हमारे लिए बन रहा है गर्मा गर्म चाय को ग्राइंड करने, ऑलरेडी टमाटर सब कुछ पेस्ट बना लिया है, चॉप कर लिया अनियन, अब इस बार आलू गलत आ गया यार, आलू स्वीट लग रहा है थोड़ा, पता नहीं क्यों। कहाँ चोट लगी बताओ मम्मा को? पैर में। ओ मेरा बेबी को कितनी चोट लग गई, बहुत ज्यादा। क्या कर रहे थे आप? बैठे थे वहाँ पे, दर्द हो गया, दर्द हो गया ध्यान से, चोट लग गई, मुझे डॉक्टर पास ले जाओ कह रहा है कि गाइस। तो हस्बैंड का चाय रेडी है और मेरा भी, मैं इसी में पी लूंगी, कपड़े भी धुले नहीं है, और हस्बैंड को दे रही हूँ ये भैया वाला कप मैं, क्योंकि इनकी सिस्टर ने दिया था, तो अभी इनको दे देते हैं, क्योंकि अभी तक पिए नहीं है बिल्कुल कप, ऐसे भैया भाभी दोनों का सेट दिया था, मेरा भी, तो मैं मेरा वाला भी रखा हुआ है थोड़ा ऊपर, तो हस्बैंड को ये लो चाय तुम्हारा, अरे यार तुम्हारी बहना का प्यार। देखते हैं हस्बैंड कहाँ है, तो ये है पीछे वाले बालकनी। ओ वाओ यहाँ पे चाय पिया जा रहा है गर्मा गर्म, कैसा लग रहा है गर्मा गर्म चाय पीने में इतने प्यारे प्यारे मौसम में, ब्लेस्ड कि हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है चंडीगढ़ में, खैर इलाहाबाद में भी मिलेगा अब वहाँ हम जब जाएंगे तो, बट आई विश कि हमें अब नीचे वाला मिले, ताकि हम इस पार्क जैसा इस ग्रीनरी का मजा उठाए। और गाइस मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे ना साइड में, मैं अगर मिलेगा ना चूल्हा बनाऊंगी, मैं प्रॉपर एकदम चूल्हा बनाऊंगी, और फिर वहाँ पे वो रखेंगे क्या कहते हैं उसको,
ग्रिल करते हैं जिसपे वो सारी चीजें, हाँ हाँ, तो ग्रिल करेंगे यहाँ पे हम ना, पार्टी करेंगे सैटरडे संडे इस तरीके से, चेयर है ना यार, मतलब मेरा बहुत मन है, पता नहीं क्यों अब मेरा ना मतलब देसी टाइप चीजों पे ज्यादा ध्यान जा रहा है, पुरानी चीजों पे, मतलब चूल्हा पे मेरा मन करता है ऐसे खाना बनाने का, उसमें चूल्हा पे ना सैटरडे जब वीकेंड हो ना तो हम सुबह सुबह उस पर चाय पिए, एकदम मस्त एकदम माहौल रहेगा, बच्चे खेलेंगे, ऐसे छोटा सा पार्क है पीछे, दोस्तों आप बैकग्राउंड देख सकते हो कितना तगड़ा है यार, सही नजारा ऑलमोस्ट मिलेगा, बट इलाहाबाद थोड़ा सा, इलाहाबाद ठीक है, ठीक है, इतना भी ऐसा नहीं है, और दिल्ली टाइप नहीं है, दिल्ली विल्ली में तो लोकेशन थोड़ा रहता है, हाँ तो मतलब दिक्कत रहती अच्छा है, तो मतलब मेरा ना बहुत मन है, मतलब चूल्हे पे बनाओ, इस तरीके से हरियाली हो, सब्जी उगाओ, पता नहीं क्या जा सकता है ऐसा है तो, यार नहीं गाँव में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि गाँव में मतलब इतनी सुविधा नहीं है, तो गांव में हम शायद एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हालांकि मैं मतलब चूल्हे पे कभी बना ही नहीं हूँ खाना, मुझे चूल्हा बनाना भी नहीं आता कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं मम्मी से पूछ पूछ के मैं बना लूंगी, और एक बार मैंने बनाया है चूल्हे पे, मतलब बनाया नहीं ऐसे ट्राई करने के लिए कुछ करने गई थी और मेरा हाथ जला था बहुत बुरी तरह से, पूरा एयर स्मोक से ना धुआं धुआं हो गया था, तो खैर उसके बाद हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं करूंगी और बनाऊंगी। क्या हो गया? कुछ तो बस अभी हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है अनियन से, तो अभी मैं डाल दूंगी ये टमाटर का पेस्ट, तो इसको हम ऑयल सेपरेट होने तक अगेन फ्राई करेंगे, इसको हम गाइस ऑयल सेपरेट होने तक कुक करेंगे, और इसके बाद मैं अपना चाय पी लेती हूँ क्योंकि मेरा चाय जो है उसमें मलाई आ गई है, इसका मतलब ये ठंडा काफ़ी हो गया है, मैं नहीं चाहती हूँ चाय को फिर से बर्बाद होने दूँ, तो फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह भी ना ऐसे बच्चों को खिलाने पिलाने के चक्कर मेरा चाय हमेशा ही ख़राब रह जाता है। तो यहाँ पनीर जो है मैंने गर्म पानी में सोख होने के लिए दिया है, लास्ट टाइम मेरे हस्बैंड को ऐसे फ्राई करके बहुत अच्छा बना लगा, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, मजा आ जाता है, काफी अच्छा एक यू नो फ्लेवर आ जाता है, एक सोंधा फ्लेवर, तो इसीलिए इस तरीके से कर लेती हूँ, और यस आई एम गोना एंजॉय माय टी, और आप ये व्लॉग एंजॉय करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किए हो तो। तो गाइस मैं यहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा डालूंगी क्योंकि हम लोग राइस के साथ खाने वाले हैं, तो गाइस चाय पत्ती अदरक और इलायची जो भी बच जाता है ना तो इसको मैं रख लेती हूँ, और इसको मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ ड्राई करके, और ऐसे हल्का सा गीला भी डाल सकते हैं ऐसा कुछ। I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living is a life. ओके गाइस तो मेरा अभी का काम सब कुछ हो गया है, बर्तन वगैरह सब कुछ ये सारा क्लीन हो गया है, ये सारा बर्तन एंड सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है, और अभी बस ये जो खाएंगे और ये वाले ही बर्तन रहेंगे, तो शाम में फिर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है करने का क्योंकि शाम में फिर मुझे नीरव को भी थोड़ा पढ़ाना होता है, तो इसीलिए काम मैं जल्दी जल्दी सोचती हो जाए ताकि इवनिंग में उसको अच्छे से टाइम दे पाऊँ उसकी स्टडी के लिए। तो पता नहीं दोनों बच्चे कहाँ है, और देखो देखो कुशन की हालत देखो, मतलब मैं इतने अच्छे से सजा दी थी और यहाँ का देखो कुशन, देखो सारा गायब, यहाँ का सारा घर इधर उधर सब फैला देते दो मिनट के अंदर, मतलब जा काम वाली आती है पूछा ला बैटरी लो पहले, मैं बाद में बात करूंगी, मैं पहले चार्ज पे लगा देती हूँ। ओके गाइस तो लंच हमारा रेडी है, मैंने ध्यान के कितने भूखे शेर बन गए दोनों, भूख लगी है चीकू को, क्या चाहिए आपको, पनीर चाहिए, तो दोनों अभी हीटर में बैठ के खाएंगे।